जो गाना आने वाला है माह रमजान, उसके लिए बहुत एक्साइटेड हम लोग, क्योंकि ये जो सॉन्ग हम लोग ने शूट किया है इसकी वाइब ही अलग है और ये बहुत अलग शूट किया हम लोगों ने। हमेशा आप लोगों को हमारा कुछ ना कुछ ग्रैंड देखने मिलता है, मगर इस बार भी ये अलग ही तरीके का ग्रैंड है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह आप लोग बहुत पसंद करोगे और बहुत प्यार करोगे इस गाने। पूरा महीना फास्टिंग का रहता है और बहुत अच्छा लगता है कि सुबह सुबह उठो सहरी के लिए 4 बजे और फिर उसके बाद शाम में जब हम 6 बजे अपना रोज़ा खोलते हैं 7 बजे मगरिब की अज़ान सुन के, तो ये अलग ही महीना है और बहुत सुकून का महीना है और अलग ही, मतलब इसमें इतना इतना प्यारा महीना है कि इसमें आप एक नेकी करोगे तो 70 नेकी के बराबर है। तो बस दुआ करो इंशाल्लाह कि ये महीना करीब आ गया है और इंशाल्लाह खूब ढेर सारी नेकी करे और 70 से 70 नेकी कमाते रहे। बस जन्नत आप क्या कहोगे, माह रमजान गाना आप दोनों फीचर हो रहे और इस 52 महीने में रिलीज हो रहा है अभी 9th को। ये गाना मेरे हार्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज है और हम बहुत टाइम से, आई थिंक 1 साल से ज़्यादा हो गया हमें ये गाना को प्लान करते करते और इतना दिल लगाया है इस गाने से और भाजी ने इतना खूबसूरती से गाया है कि आप जब भी गाना सुनेंगे तो आपको अलग सुकून मिलेगा। इस गाने में बहुत ज़्यादा सुकून है और हमने बहुत प्यार से इसको शूट भी किया है और बहुत रिलेटेबल है और रमज़ान में आ रहा है तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है हमारे लिए। सो वी जस्ट फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड जस्ट होप। बहुत स्पेशल है फैजो और जन्नत ने बताया, आप बताइए कितना स्पेशल आपके लिए रहा और इतना जल्दी आपने गाना शूट किया और अब रिलीज भी है 9 तारीख को। सो जैसे जन्नत ने बताया कि वी वर प्लानिंग दिस फ्रॉम एटलीस्ट अ ईयर, यू नो द सॉन्ग वाज सो स्पेशल एंड खाली जन्नत को नहीं पूरी फैमिली का फेवरेट सॉन्ग है और हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। और जब इस गाने की कास्टिंग की बात आती है ना तो देयर इज नो वन बेटर देन फैजो जन्नत, बिकॉज बहुत प्यार करती है जनता दोनों को साथ में और उनको साथ में देखना चाहती है और ख़ासतौर पर ऐसा गाना जो रमज़ान से रिलेटेड हो और उसे बहुत अच्छे से निभाया है। बड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड में वी थॉट ऑफ फ्लाइंग टू शिमला एंड वहाँ जाके शूटिंग का हमने अरेंजमेंट्स किए जाके कोविड आपको मालूम है अभी चल रहा है, देयर वाज सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑल्सो बट देयर वाज सो सपोर्टिव, आई कांट बी मोर थैंकफुल टू देम। इतना इन लोगों ने मेहनत किया, सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तक शूट करते रहे बिकॉज देयर वाज लेस टाइम देयर एंड जय पारिक ने ये गाना डायरेक्ट किया है और जो भी खड़े हैं प्लीज आइए एंड जय हैज़ डायरेक्टेड द सॉन्ग ब्यूटीफुली एंड फैजू भाई का जो किरदार है वो बहुत मुझे पसंद आया इस गाने में एंड जन्नत ने भी, क्योंकि इन लोगों ने जो पहले गाने किए दे आर लार्जर देन लाइफ, दे आर ग्रैंड दुबई बिल्डिंग्स एंड लॉन्ग कार्स, यू नो ह्यूज कार्स, बट दिस टाइम दे हैव प्लेड अ वेरी रियल कैरेक्टर ऑफ यू नो स्मॉल बी टाउन सिटी ऑफ अ हिल स्टेशन। So that is what is appealing and you know it's so different for me to see that, yeah. Janat, kaisa raha experience Shimla mein shoot karna? Bahut acha experience tha, humne shoot ek din kiya par hum 3 din ghume और बहुत बहुत मज़ा आया। वहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा था, पहले हमें लगा बहुत ज़्यादा ठंड होगी बट ऐसा कुछ नहीं था, इतना प्लेजेंट था, हमने बहुत मज़े किए हैं वहाँ पे और बहुत दिन से शूट किया है और हमारी यूनिट वॉज वेरी सपोर्टिव। ऐसी जगह पे हमने जाके शूट किया है, बहुत बहुत ट्रैवल किया बट किसी